डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फाइट बाय टॉक। मेरठ हापुड़ लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह आज पहली बार मेरठ पार्टी कार्यालय पहुंचे तो बाकी सभी प्रमुख दावेदार लखनऊ। दोनों ही पक्ष जी जान से अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। भानु प्रताप सिंह यह कहते हुए दावा ठोक रहे हैं कि दावेदार टिकट जरूर मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी भानु प्रताप सिंह का विरोध नहीं कर रहा है। तो लखनऊ में डेरा डाले बैठे लोगों को उम्मीद है कि आज शाम या फिर जल्द ही उनके भाग्य का उदय हो जाएगा। आज पार्टी कार्यालय पर इंडिया गठबंधन के पदाधिकारी तो पहुंचे, लेकिन शहर विधायक रफीक अंसारी, शाहिद मंजूर, अतुल प्रधान व योगेश वर्मा ने बराबर दूरी बनाए रखी। यह दूरी हाल ही में हुए महापौर चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली करारी हार के पुनरावृत्ति भी हो सकती है। टिकट न मिलने पर मुंह फुलाए बैठे शहर विधायक रफीक अंसारी को मनाने पार्टी मुखिया अखिलेश यादव उनके तंग गलियों वाले घर भी पहुंचे थे, लेकिन रफीक अंसारी महापौर चुनाव में कहीं नजर नहीं आए। इन सब राजनीतिक हालातों के बीच भानु प्रताप ने इंतजार कर ही मीडिया से कहा कि वह सभी सवालों का जवाब देंगे, मोदी नहीं है जो डर जाएंगे। भानु प्रताप सिंह ने यह भी कहा कि चुनाव सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन लोकसभा के लिए यह चुनाव इसलिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि यह चुनाव जीत गए तो बच गए और हार गए तो सब खत्म हो जाएगा। भाजपा नेतृत्व हमेशा कांग्रेस पर यह कहते हुए सवाल करता है कि कांग्रेस ने इन 70 सालों में कुछ नहीं किया, लेकिन भाजपा नेतृत्व यह भूल जाता है कि आज भी जो भी वह बेच रहे हैं वह सब कांग्रेस द्वारा ही बनाया गया है। अब देखते हैं मीडिया से क्या कहा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह। देखिए, आपका ये जो कहना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता या और भी लोग विरोध में हैं, ये बिल्कुल झूठ है। मेरे विरोध में पार्टी का एक भी व्यक्ति नहीं है। ये प्रचार जितना भी है ये विरोधी दल का प्रचार है, विपक्ष का प्रचार है और कुछ नहीं है। आपने देखा पूरा कुनबा न केवल समाजवादी पार्टी का बल्कि राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वो सभी साथी, पूरी टीम सब इकट्ठे हैं। इंडिया गठबंधन का पूरा कुनबा एक साथ में है और पूरी ताकत से मिलके ये चुनाव लड़ाएगा और यहां से मुझे जिताकर संसद में भेजेगा। आपकी पार्टी का एक भी विधायक यहां पर नहीं है, क्या कारण है? उसका केवल एक कारण है, टिकट मांगने में लगे। नहीं, देखिए टिकट मांगना हर किसी का हक है। तो हो गया, आप नहीं मांग रहे। अब जब अब नहीं मांग रहे तो और मुझसे फिर सवाल क्यों पूछ रहे? अभी मांग रहे हैं, अभी मांग रहे हैं। कोई बात नहीं, शहर विधायक अगर यहाँ है तो किसी कारण से नहीं आ पाए होंगे। आपने देखा मैंने कहा कि पूरा कुनबा साथ में है, कई वजह होती है, किसी वजह से व्यक्ति नहीं आ पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं या कह रहे हैं कि कोई भी विरोध में है कुछ में। आप अगर देखेंगे अतुल प्रधान जी का, अतुल प्रधान जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि हम टिकट मांग रहे थे, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भानु प्रताप सिंह जी का जो ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं और सब उन्हें जानते हैं, उनका टिकट तय कर दिया, हम सब मिलकर लड़ेंगे। विधायक जी इस बात को कह रहे हैं, इसके बाद और किसी बात की क्या वो? जैसे आप ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं और ईवीएम से ही फिर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? ईवीएम की लड़ाई अब और भी मजबूती के साथ लड़ी जाएगी, मुखर होकर लड़ी जाएगी, और अब तक सड़क पर लड़ रहे थे, अब संसद में जाके पूरी ताकत से लड़ी जाएगी। और तब तक चलेगी लड़ाई जब तक ईवीएम को इस देश से पूरी तरह उखाड़ के नहीं फेंक दिया जाएगा। देखिए, मैं ये मानता हूं उस समय भी वो हारे नहीं थे। अगर आप अंदर की बातें जानते होगे तो उन्हें जबरदस्ती हराया गया था। कौन सा दिन की बात कर रहे हैं आप? याकूब, हाजी याकूब साहब की, 2019 की, उन्हें हराया गया था। आप सब जानते हैं मीडिया के साथी की क्या कहा, हारे नहीं थे। मैं मानता हूं कि जो संघर्ष हम लगातार करते रहे हैं पिछले 5-7 साल से और जिसकी वजह से आज मुझे ये जिम्मेदारी माननीय अखिलेश यादव जी ने दी है, सो मेरा वो संघर्ष जो है
वो भी कहीं ना कहीं इसमें महत्वपूर्ण सहयोग करेगा। और पूरी ताकत से मैं विश्वास करता हूं आपको और विश्वास दिलाता हूं कि इस बार जो जीत होगी वो ऐतिहासिक जीत होगी और इस बात को सिद्ध करेगी मेरठ की जनता। इंडिया गठबंधन या विपक्ष कहीं भी बैकफुट पर नहीं, गठबंधन अपनी बात को पूरी मजबूती से रख रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है आप मीडिया के साथी जो मेन स्ट्रीम के मीडिया के साथी कहलाए जाते हैं वो साथी गठबंधन की बात को विपक्ष की बात को जनता के सामने नहीं रख रहे। आप रखो ना, आप जिस तरह से आप मोदी जी की बात को रखते हो सामने, बीजेपी की बात को रखते हो सामने, रखो इंडिया गठबंधन की विपक्ष की पार्टियों की बात को सामने। पर हमारी भी बात कौन रख पा रहा? आप थोड़ी रखते हो हमारी बात। हमारी बात तो सोशल मीडिया रखता है, तब आज आप यहां आए हो, नहीं तो सोशल मीडिया नहीं होता तो हमें कौन जानता था। आप रखो बात, आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ, फिर देखो तमाशा। तो किसी तरह से आप मीडिया को दोषी मानते हैं? बिल्कुल ना मानता हूं, इसमें क्या दिक्कत है? दोषी मानता हूं मीडिया को। मीडिया इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और जिस दिन मीडिया ने ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दी, निष्पक्ष और सच पत्रकारिता करनी शुरू कर दी, इस देश का नक्शा ही बदल जाएगा, इतिहास ही बदल जाएगा। जी नेता सारे सच्चे हैं? नहीं, मैंने कब कहा नेता सच्चे हैं? भाई नेता अगर सच्चे होते तो ये हालत थोड़ी होती जो हो गई। नेता सच्चे नहीं है मैं मानता हूं, लेकिन आप अपने गिरबान में भी झांक के देखो, पक्ष अपनी नाकामी नहीं अपनी मजबूती से अपनी बात कह रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में मीडिया जो जिम्मेदारी निभानी थी वो नहीं निभा रहा। जो कड़वे सवाल आप हमसे पूछते हो, विपक्ष से पूछते हो, एक बार मोदी जी से जाके पूछो ना, पूछो क्या उनसे जाके? नहीं पूछते ना आप, पूछे जाते नहीं। कहां पूछते? मैंने तो देखा नहीं भाई, सारा विपक्ष लगा हुआ है केवल मीडिया को खोजने नहीं। ये जिम्मेदारी, ये सब कुछ, अगर ये सब कुछ हुआ भी तो आप फिर आकलन कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि विपक्ष हमारी तरफ उंगली उठा रहा। ये चुनाव केवल मेरठ की समस्याओं का नहीं है, ये चुनाव देश की समस्याओं का है जिसमें मेरठ की समस्याएं भी आती हैं। पूरे देश का चुनाव है और पूरे देश में क्या समस्या है आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं। शिक्षा देश में समस्या है, ये सबसे बड़ा जो टास्क होना चाहिए किसी भी सरकार के सामने कि इस देश के हर बच्चे को बढ़िया एजुकेशन मिल जाए, तभी देश विश्व गुरु बनेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। उसमें कहीं कोई कोताही ना हो। सरकार ने काम किया नहीं किया ना? केवल आप कहते रहो विश्व गुरु बन जाए, ऐसे थोड़ी होता, कहने से थोड़ी होता, करने से होता। इस देश के लोगों को डॉक्टर, अस्पताल और दवा मिल जाए, यह है काम। इस देश के बच्चों को रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, यह है काम। जितनी बात मैं कह रहा हूं ये सारी की सारी बातें अमल में लाई जा सकती है, इस देश की पूरी गरीबी और बेरोजगारी खत्म की जा सकती है। इस देश के बिजनेसमैन को सरकारें जितना सपोर्ट करती हैं उनको सपोर्ट बंद करके इस देश के आम आदमी को सपोर्ट करें, उसकी बात करें, किसान और मजदूर की बात करें, उसको अगर दें तो आप देखेंगे नक्शा ही बदल जाएगा। लाखों करोड़ रुपए का टैक्स में छूट पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को सरकार द्वारा दी जाती है। इसके अलावा अभी आपने देखा 16 करोड़, 16.5 करोड़ तो ऑन रिकॉर्ड की बात हो रही है, लेकिन टोटल जो सारी चीजें आ रही हैं, जो गवर्नमेंट के वो बैंक है और बाकी जो है प्राइवेट वगैरह सारा मिला के तकरीबन 25 लाख करोड़ रुपए इस सरकार ने पिछले 10 साल में माफ किए हैं पूंजीपतियों के। किस लिए माफ किए हैं भाई? क्या कर रहे हैं वो देश के लिए? उन्होंने क्या किया बताओ? किसके, आपके जो यार हैं जितने भी हैं, किसी पूंजीपति ने देश के लिए कोई ऐसा काम किया हो जिसका कर्जा माफ कर दिया जाए? और इसके बावजूद भी अभी भी उनका कर्जा, भारी संख्या में उन पर कर्जा है, पड़ा है, जिसे नहीं दे रहे, जानबूझकर नहीं दे रहे कि गारंटी जो है। अगर आप पीडीए की बात कर रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी जिस पीडीए की बात कर रहे हैं, वाकई में इस देश में सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है तो इसी पीडीए पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा हक इसी पीडीए का लूटा गया, यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, इनका हक लूटा गया, सबसे ज्यादा काम इसके लिए करने की जरूरत है। और माननीय अखिलेश यादव जी जो इस बात को लेकर चल रहे हैं, इस जनरल सीट पर मुझे टिकट देना, उस पीडीए की विचारधारा को साकार रूप में, मूर्त रूप में धरती पर उतारने की बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जो बात कर रहे हैं माननीय राहुल गांधी जी, जो गारंटी की बात कर रहे हैं माननीय राहुल गांधी जी की, एक भी गारंटी ऐसी बताओ जो देश के लोगों के हित में नहीं है, जनहित में नहीं है। वो सारी चीज वो कह रहे हैं जो इस देश के युवाओं की जरूरत है,
इस देश के गरीबों की जरूरत है, इस देश के किसानों मजदूरों की जरूरत है, आम आदमी की बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ना कि पूंजीपतियों को आप किस लिए कर्ज माफ करते हो, किसान का कर्ज माफ करो आप, यही तो बात कर रहे हैं। वो रोजगार की बात कर रहे हैं तो इसमें कहां दिक्कत है। हालांकि ये अलग बात है कि इस देश में जो वर्तमान प्रधानमंत्री, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात करी और पूरे अपने शासन काल में 7.5 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दे सके। अब रही मोदी जी की गारंटी, तो मोदी जी की गारंटी का एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूं, बड़ी मजेदार बात। मोदी जी गारंटी कह रहे हैं 25 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया। अब आप तो मीडिया के साथी हो, जानते हो आंकड़े, थोड़े से मैं बताता हूं, गलत हो तो करेक्ट करना। इस देश में 2014 में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने वाले जो लोग थे उनकी ऑफिशियल सरकार के हिसाब से संख्या 18 करोड़ थी और कोरोना के बाद, नोटबंदी के बाद इस देश में अब जो गरीबों की संख्या थी वो सरकारी ही आंकड़े थे जिसने बताया कि उसमें 23 करोड़ लोगों का इजाफा हो गया और टोटल गरीबी के नीचे जीवन जीने वालों की संख्या हो गई 41 करोड़। अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि वो 25 करोड़ जो गायब किए उन्होंने, के 25 करोड़ गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिए, वो इनमें से है 41 करोड़ में से, या वो जो 18 करोड़ थे उनमें से है। और मोदी जी की जो गारंटी जो वो लगातार दे रहे हैं, बहुत दुख की बात है, देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहे कि भारत सरकार की गारंटी है तो समझ में आता है, लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी प्रधानमंत्री पद से जरा साइड में आ जाओ तब देखेंगे कि मोदी की गारंटी क्या है। किसी को झुंझुना पकड़ाने की भी गारंटी नहीं दे सकते आप। भारत सरकार की गारंटी हो ये तो समझ में आती है, एक व्यक्ति की गारंटी हो यह संविधान का अपमान है, देश का अपमान है, देश की जनता का अपमान है। माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए जो वो कह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी अपने स्तर पर पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, उनकी रणनीति है, वो अपने हिसाब से लड़ना है, लड़ने दीजिए, जो होगा मैदान में जो आएगा देखा जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी।